क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। दिल्ली टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि अभी दूसरी पारी बची हुई है, लेकिन दिल्ली की टर्न लेती और नीची रहती पिच पर बैटिंग करना बेहद मुश्किल है। और उसी मुश्किल विकेट पर भारत के लिए पहली पारी में विराट कोहली रन बना रहे थे, अच्छे रन बना रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहीं पर हो गई बहुत बड़ी साजिश। जी हां, विराट कोहली के खिलाफ, भारत के खिलाफ, क्योंकि साफ साफ सबने देखा, टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा, मैदान में मौजूद लोगों ने देखा, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और खिलाड़ियों ने देखा और सब ने यही कहा कि विराट कोहली नॉट आउट है। लेकिन अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने विराट को, भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद विराट ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो वहां भड़क गए राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर के सामने बखेड़ा खड़ा करते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया। तो दिखाते हैं आपको विराट के साथ क्या हुआ गलत और आगे क्या होने वाला है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि विराट के साथ कितना गलत हुआ, कमेंट जरूर करें। तो ये भारतीय पारी का 50वां ओवर था। हालांकि टीम इंडिया मुश्किल में तो थी, लेकिन हाँ, विराट कोहली क्रीज पर थे तो पूरी उम्मीदें बची हुई थी। विराट काफी अच्छा खेल रहे थे। अब यहाँ पर कुहेनमैन के ओवर की तीसरी बॉल सीधे जाकर विराट कोहली के पैड और बैट के बीच में लगी, तो अंपायर ने, यानी कि मैदानी अंपायर ने विराट कोहली को आउट दे दिया। अब बवाल यहाँ पर नहीं था। जी हाँ, विराट ने बिना कुछ देर किए तुरंत ही रिव्यू ले लिया, क्योंकि विराट को पता था कि बॉल पहले बैट पर लगी है और असली बवाल यहीं पर शुरू हो गया। थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखना शुरू किया और वो पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर चल रहा था। मैदान में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन में रिप्ले दिखाया गया और जैसे ही रिप्ले दिखाया गया तो पहले ही रिप्ले में साफ हो गया, साफ दिख रहा था कि बॉल सीधे सीधे विराट कोहली के बैट पर पहले लगी और फिर बैट पर लगने के बाद ही पैड पर लगी है। अब यहाँ पर बैट और पैड दोनों ही क्लोज से, लेकिन फिर भी पैड पर पहले लगी थी, पैड पर बाद में ये साफ साफ नजर आ रहा था, यानी कि विराट कोहली नॉट आउट थे। मगर यहीं पर थर्ड अंपायर ने बवाल खड़ा कर दिया, बड़ा हंगामा कर दिया। जी हाँ, थर्ड अंपायर ने साफ कह दिया कि मुझे लगता है कि शायद बॉल पहले पैड पर लगी है। जी हाँ, तीसरे अंपायर भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे और साफ साफ कह दिया कि शायद, जी हाँ, शायद शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि शायद बॉल पैड पर पहले लगी है और इसीलिए अब यहाँ पर बॉल ट्रैकिंग को देखूंगा। अब बॉल ट्रैकिंग देखने के बाद अंपायर कॉल थी, यानी कि विराट कोहली को जो मैदानी अंपायर ने आउट दिया था तो वही फैसला यहां पर बना रहा और विराट कोहली को आउट दे दिया गया। अब तो पूरी दुनिया देख चुकी थी, मैदान में मौजूद लोगों ने, फैंस ने देखा था, खिलाड़ियों ने देखा था, सबको यही लग रहा था कि नॉट आउट है विराट कोहली, आउट नहीं है। मगर अंपायरों ने भारत के खिलाफ जबरदस्त साजिश यहां पर कर दी और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच में आगे करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन का तमगा बरकरार रखने के लिए। जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि यहां पर साफ साफ विराट कोहली नॉट आउट थे और वो सबने देखा, लेकिन फिर भी विराट को आउट दे दिया गया। विराट कोहली पवेलियन लौटे तो वहां पर राहुल द्रविड़ और बैटिंग कोच विक्रम राठौर से बातें करने लगे। विराट ने वहां पर जाकर भी रिप्ले देखा और वहां पर भी साफ साफ दिख रहा था, तो विराट ने इशारों में विराट करते हुए दिखे कि देखो साफ साफ नॉट आउट है, और विराट कुछ और भी इशारे करते दिखे। विराट खासे गुस्से में नजर आए। अब खबर है कि टीम इंडिया खराब अंपायरिंग के लिए इसमें आईसीसी से शिकायत करने की तैयारी में है, क्योंकि विराट कोहली का ये विकेट खराब अंपायरिंग की वजह से ही गया और अगर भारतीय टीम दिल्ली टेस्ट मैच हारती, हालांकि इसकी संभावना अभी कम है क्योंकि अभी दूसरी पारी बची हुई है, लेकिन हाँ, अगर फिर भी भारतीय टीम हारती है, दिल्ली में हार होती है, तो इसकी बड़ी वजह विराट कोहली का ये विकेट, विराट कोहली का गलत आउट देना ही माना जाएगा। तो आपको क्या लगता है, विराट कोहली आउट थे या नहीं थे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा टॉस हार गए और भारत को पहले गेंदबाजी ही करनी पड़ी। अब नागपुर टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया को 2 रन पर 2 विकेट मिल गए, लेकिन यहाँ दिल्ली में कंगारू ओपनर्स ने विकेट पर टिकने का जज्बा दिखाया, लेकिन यही जज्बा डेविड वार्नर पर भारी पड़ गया और डेविड वार्नर पर बॉडी अटैक हमला जो किया तो वार्नर रो ही पड़े और अंत में डर कर घबरा कर विकेट फेंक दिया और घेर कर वार्नर को यहाँ पर खत्म कर दिया। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ। मोहम्मद सिराज और शमी ने खास तौर पर वार्नर को निशाना बनाया, वार्नर को रन ही नहीं बनाने दिए, सिराज ने लगातार वार्नर पर बाउंसर्स की बौछार कर दी, वार्नर के सिर को, कंधे को, पसलियों को निशाना बनाया। मोहम्मद सिराज ने पहले 6ठे ओवर में डेविड वार्नर की कोहनी तोड़ दी। जी हाँ, तेज बाउंसर पर वार्नर शॉट मारना चाहते थे लेकिन चूक गए और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल जाकर सीधे डेविड वार्नर की कोहनी पर लगी और वार्नर तिलमिला गए दर्द से। जी हाँ, भारत की कंडीशन में स्पिनिंग ट्रैक पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वार्नर की कोहनी तोड़ दी थी, खासा
दर्द हो रहा था, तुरंत डॉक्टर को फिजियो को मैदान में बुलाया गया, इलाज किया गया और इस दौरान असहनीय दर्द से डेविड वॉर्नर तड़प उठे। हालांकि पेन किलर लेने के बाद डेविड वॉर्नर फिर से खेलने को तैयार हुए, लेकिन सिराज कहां थमने वाले थे। अब इसके बाद 8वें ओवर में एक बार फिर से हमला किया और इस बार सीधे सिर पर हमला किया गया। सिराज ने वॉर्नर के हेलमेट को फोड़ दिया और सीधे वॉर्नर के सिर पर अटैक हुआ और इस बार तो सीधे फिजियो को बुलाया गया, कंकशन तक करना पड़ा। अब इसके बाद भी सिराज कहां थमते, कभी डेविड वॉर्नर के कंधे पर, कभी पसलियों पर, तो कभी सिर पर और छाती पर हमला करते रहे। अब वॉर्नर डर कर सिराज के आगे हाथ जोड़ने लगे, माफी मांगने लगे और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी भी लगातार डेविड वॉर्नर को बॉडी लाइन पर अटैक कर रहे थे और लगातार डेविड वॉर्नर के कंधे को, पसलियों को निशाना बना रहे थे। अब हालात इतने खराब थे कि सिराज ने डराया तो शमी ने भी वॉर्नर को निशाना बनाया और इसी डर के माहौल में, इसी घबराहट के माहौल में डेविड वॉर्नर ने अपना विकेट फाइनली फेंक दिया। जी हाँ, 16वें ओवर की दूसरी बॉल शमी ने लेंथ बॉल डाल दी और इस बार वॉर्नर को घेर कर मार दिया, सरेंडर करा दिया, आउट करा दिया, क्योंकि डेविड वॉर्नर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी शॉर्ट बॉल आएगी, सीधे उनके कंधे पर आएगी बॉल या फिर चेहरे पर आएगी, लेकिन शमी ने लेंथ बॉल डाली और विकेट के पीछे बेहतरीन कैच यहां पर ले लिया गया। शमी ने यहां पर वॉर्नर को आउट कर दिया, लेकिन इसमें पूरा का पूरा बड़ा योगदान मोहम्मद सिराज का भी था, क्योंकि पहला ही दिन, पहले ही सेशन में सिराज ने बुरी तरह से वॉर्नर को यहां पर डरा दिया, धमका दिया और इसीलिए ये बॉलिंग यहां पर खास थी, शमी की भी, सिराज की भी। तो आपका इस पूरे प्रदर्शन पर क्या कहना है, सिराज के इस तोड़फोड़ वाले खेल पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस हार गए और कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता तो झट से बल्लेबाजी ले ली। हालांकि इस बार कंगारू की अप्रोच थोड़ी सी बदली हुई थी, दोनों ही ओपनर्स ने पहले घंटे में कोई विकेट गिरने नहीं दिया। हालांकि इस दौरान सिराज और शमी ने डेविड वॉर्नर को खूब परेशान किया, जबकि दूसरी तरफ से ख्वाजा लगातार रन बना रहे थे। 16वें ओवर में शमी ने ही भारत को पहली सफलता दिलाई, जब दूसरे स्पेल में आए शमी ने वॉर्नर को विकेट कीपर के हाथों बेहतरीन बॉल पर कैच आउट करा दिया और ये पूरा सेटअप था जिसमें सिराज भी शामिल थे। सिराज और शमी ने पहले शॉर्ट बॉल से वॉर्नर को परेशान किया और फिर लेंथ बॉल पर ढेर कर दिया। अब इसके बाद आए नए बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने आते ही ताबड़तोड़ चौके मारना शुरू किया और ख्वाजा भी इस दौरान रन बना रहे थे, लेकिन मार्नस लाबुशेन एक बार फिर अश्विन की फिरकी में फंस गए, उलझ गए और लंच से पहले 18 रन बनाकर LBW आउट हो गए। अब यहीं पर अश्विन ने बड़ा डबल धमाल कर दिया। जी हां, इस ओवर की चौथी बॉल पर लाबुशेन को आउट किया था तो उसी 23वें ओवर की छठी बॉल पर बड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को ढेर कर दिया। जी हां, स्मिथ शून्य पर आउट हो गए, शानदार कैच भरत ने यहां पर पकड़ा और 3 बॉल में 2 झटके यहां पर कंगारू को दे दिए गए थे। अब यहीं से ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट में आ गई, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाजों को अश्विन ने लगातार बॉल पर आउट कर दिया था। अब इसके कुछ ही देर बाद शमी ने एक और झटका दे दिया। ट्रेविस हेड, जिन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ टीम में लाया गया था, वो भी चलते बने। शमी ने राहुल के हाथों सिर्फ 12 रन पर ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। अब लग रहा था कि यहां पर कंगारू यहीं ढेर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद उस्मान ख्वाजा एक तरफ से रन बना रहे थे तो हैंडस्कॉम का भी अच्छा साथ मिल रहा था और फिर यहां पर रविंद्र जडेजा ने स्ट्राइक की और जडेजा ने सेट बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। जी हां, ये बेहतरीन कैच था, केएल राहुल ने अद्भुत असंभव कैच पकड़ा, बड़ी सफलता भारत को यहां पर दिला दी और इसके बाद अगले ओवर में अश्विन ने एलेक्स कैरी को भी आउट कर दिया। अब 6 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन इसके बाद कप्तान पैट कमिंस ने आकर कुछ लंबे शॉट्स लगाए, चौके लगाए, छक्के लगाए और पारी को कुछ हद तक संभाला भी और चाय तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 ओवर में 199 रन था। अब थोड़ा सा रन रेट यहां पर इनका ज्यादा हो गया था, रन थोड़ा सा भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा दिए थे, लेकिन हां विकेट्स भी लिए थे और चाय के बाद तो अचानक से गेम पलट गया। जी हां, चाय के बाद खेलने आई कंगारू टीम अचानक से ढेर हो गई, बाकी के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए, भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट भी कुछ कर नहीं पाए और एक बार फिर पहले ही दिन दूसरे टेस्ट मैच के एक बार फिर से कंगारू ढेर हो गए। अश्विन ने शानदार अद्भुत बॉलिंग की, शमी ने कमाल की गेंदबाजी की, दोई जडेजा भी शानदार रहे और कुल मिलाकर पहले दिन का पूरा खेल भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। तो आपका पहले दिन के इस पूरे खेल पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।